राजस्थान में जिस तरह से वीरांगनाओं का बलिदान परिवारों का जो अपमान हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी हो रही है, वो मानसिकता दिखाती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी लगातार जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात रही है हमेशा सेना का तिरस्कार करा है। आप कितने भी बयान उठाकर देख लीजिए राहुल गांधी जी के, उसमें बार बार, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे गलवान घाटी पर जो भारतीय सेना की बहादुरी हो, हर बात और हर बार राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया है भारतीय सेना के ऊपर, अपमानित करा है। और यही मानसिकता राजस्थान सरकार की दिखाई दे रही है। पुलवामा के हमले के बाद हमारे वीर बलिदानियों के परिवार के पास जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गईं, और आज जब उन घोषणाओं को पूरा करने का समय आया है तो राजस्थान सरकार पीछे हट रही है। पीछे ही नहीं बल्कि राजस्थान में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो इन परिवारों से मिलने से ही मना कर रहे हैं। कई दिनों से वीरांगनाएं धरना देकर बैठी हुई हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उन्हें पिने चुबाई गई, उनके साथ बदसलूकी हुई, सड़कों पर घसीटा गया, और कल रात को 3 बजे उन्हें उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आखिर ऐसा क्या मांग रही हैं वीरांगनाएं, और ऐसी क्या बात है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री उनसे मिलने से मना कर रहे हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री को ऐसा क्या डर है, क्या क्या भय है उनको इन वीरांगनाओं से, इन बलिदान परिवारों से? आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।